क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल मांझी साहिल वर्ल्ड पर। तो गाइस मेरा नाम है शैलेन और जो वीडियो है वो है प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज का। और प्रोडक्ट तो आप देख रहे हो एलजी का ये जाइंट मॉनिटर जो कि है 32 इंच का। गाइस सो एक जमाने में ना 21 इंच की टीवी हुआ करती थी मेरे घर पर, और आज यहाँ पर रखा हुआ है 32 इंच का ये जाइंट मॉनिटर। सो गाइस ये एक QHD मॉनिटर है जो कि आता है IPS डिस्प्ले के साथ, और इसका मॉडल नंबर है 32QN600। सो गाइस करेंगे इसका रिव्यू, जानेंगे इसके सारे फीचर्स, और मैं बताऊंगा मैंने इसको क्यों परचेस किया हुआ है और आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं परचेस करना चाहिए। सो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, बट वीडियो आगे बढ़ाने के पहले अगर आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो नहीं किया है तो फटाफट कर लो, मतलब चैनल को कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का घंटा है उसको बजा दो, ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के सारे प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। साथ में आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, भैया लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आईडी है मानसी सेल, सो जाके फटाफट कर लो इंस्टाग्राम पर फॉलो, वहां मैं ढेर सारे अपडेट डालता रहता हूं और वो सारे अपडेट्स आपको पसंद आएंगे, रील्स वगैरह है वो पसंद आएंगे, सो फटाफट जाके वहां पे फॉलो कर लो। तो चलो गाइस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। सो गाइस अनबॉक्सिंग तो मैं इसकी कर चुका हूं, बट जिन लोगों को अनबॉक्सिंग बहुत ज्यादा पसंद है उनके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। तो चलिए बताता हूं बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। सो गाइस सबसे पहले आपको मिलती है एक पावर केबल, उसके बाद हमें मिलता है एक पावर अडेप्टर, उसके बाद एक मिलती है HDMI केबल, उसके बाद एक डिस्प्ले केबल मिल जाती है, उसके बाद एक CD मिलती है। अब पता नहीं CD इन्होंने क्यों दे रखी है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में तो CD ड्राइव है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे सॉफ्टवेयर और जो भी ड्राइवर्स हैं LG की साइट से। सो गाइस इसके बाद हमें मिलता है मेटल स्टैंड जो कि दो पार्ट में रहता है, नीचे का उसका एक बेस प्लस उसका जो दूसरा पार्ट है वो मिल जाता है। और गाइस इसके बाद हमें मिलता है हमारा ये 32 इंच का मॉनिटर। सो गाइस ये जो स्टैंड होता है इसको असेंबल करना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले इसमें एक स्क्रू दिया होता है जिसकी हेल्प से आपको दोनों पार्ट को अटैच कर देना है। उसके बाद आपको जो स्टैंड है उसको कुछ इस तरह से अपने मॉनिटर में फिट कर देना है, और इसी जगह से आप इस मॉनिटर को बॉल में माउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर चार जो पोर्ट हैं वो दिए हुए हैं बॉल माउंट के लिए। सो गाइस अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। तो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो पूरी अपर बॉडी है वो बनी हुई है प्लास्टिक से, और जो इसका स्टैंड है ये बना हुआ है मेटल से। और अगर इसकी डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी स्लिम ट्रिम सा ये मॉनिटर है, और तीन साइड से ये बॉर्डरलेस है, और नीचे की साइड पर हमें थोड़ी सी बॉर्डर मिलती है। तो कम्प्लीटली लुक इसमें ऐसा आता है कि ये कम्प्लीटली बॉर्डरलेस है। सो गाइस अगर इसके स्टैंड की स्टेबिलिटी की बात करें तो हमें इसमें बढ़िया स्टेबिलिटी मिल जाती है। सो गाइस इसकी जो साइज है वो तो आपको पता ही है 32 इंच। अब जो 32 इंच होता है वो कुछ इस तरह से डायगोनली नापा जाता है, सो यहाँ से यहाँ नहीं नापा जाएगा, यहाँ से यहाँ नापा जाएगा। अब इसको मैंने क्यों परचेज किया हुआ है, तो बेसिकली मैंने इसको मेनली एडिटिंग पर्पज से परचेज किया हुआ है, जो वीडियोज़ की एडिटिंग वगैरह मैं करता हूँ, साथ में जो मेरे ऑफिस का वर्क वगैरह होता है उसके लिए मैंने इसको लिया हुआ है। तो मुझे स्क्रीन पर ज़्यादा वर्क स्पेस चाहिए था। सो गाइस गेमिंग के लिए भी आप इस मॉनिटर का यूज कर सकते हो। इसकी जो मैक्स रिफ्रेश रेट है वो है 75 हर्ट्ज। सो आप इसमें कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, PC गेमिंग के लिए भी आप इसको ले सकते हो, और इवन कंसोल गेमिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। मोस्टली जो गेम्स हैं कंसोल में वो अराउंड 60 हर्ट्ज तक ही होते हैं, तो इजीली आप इस मॉनिटर को कंसोल गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो गेम्स होते हैं जिनमें हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत होती है वहां ये मॉनिटर काम नहीं करेगा। इसको कंपेयर करते हैं मेरे 22 इंच के LG मॉनिटर से जिसका रिव्यू मैंने पहले किया हुआ था, तो यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये मॉनिटर कितना बड़ा है। तो बट अगर आप 27 इंच का मॉनिटर यूज कर रहे हो तो फिर आपको ज्यादा बड़ा ये नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 21 या 22 इंच का मॉनिटर यूज कर रहे हो तो फिर ये आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस लेके आएगा। सो ये सब बात करते हैं इसके व्यू एंगल की। तो जब आप सामने से देखते हो तो एकदम बढ़िया आपको व्यू मिलता है, लेकिन साइड से हल्का सा व्यू आपका डिस्टर्ब होता है। सो और दूसरा इसकी साइज इतनी बड़ी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको कम से कम 2 फीट की डिस्टेंस से यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो ये सब बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स एंड कंट्रोल की। तो अगर पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें मिलता है डिस्प्ले पोर्ट 1.4, इसके बाद हमें मिल जाते हैं 2 HDMI पोर्ट, और उसके बाद हमें मिलता है एक हेडफोन आउटपुट पोर्ट। कंट्रोल्स की बात करें तो आप दो तरह से इसके जो फीचर्स है उसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो एक जॉयस्टिक टाइप का बटन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप स्क्रीन रेजोल्यूशन और जो भी सारी सेटिंग्स उनको कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा LG का ऑन स्क्रीन कंट्रोल करके सॉफ्टवेयर आता है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके थ्रू भी आप जो भी रेजोल्यूशन वगैरह हैं जो भी सारी सेटिंग्स हैं उनको चेंज कर सकते हो। सो इस जॉयस्टिक को यूज करना काफी आसान है, सिंपली आपको इसको एक बार प्रेस करना है और आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे के सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे। सो गाइस अगेन हमें क्लिक करना है इस जॉयस्टिक को, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन मिल जाते हैं, इनपुट, पावर ऑफ, सेटिंग और पिक्चर मोड। सो हमें क्लिक कर देना है सेटिंग पर। सो गाइस जैसे ही आप क्लिक करते हो सेटिंग पर हमको एक नया मेन्यू बार खुल जाता है। सो आपको अगर इसके अंदर जाना है तो आपको जॉयस्टिक को राइट साइड मूव करना पड़ेगा, और अगर आपको इस मेन्यू के बाहर जाना है तो आपको लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा।
सो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्विक सेटिंग्स मिल जाती हैं, जिसमें ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वॉल्यूम और जो कलर वगैरह की सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमें मिलता है इनपुट का। तो जो ये वाला मॉनिटर है ये आता है डुअल सिस्टम सेटअप के साथ। इसमें आप एक साथ दो पीसी सेम मॉनिटर में यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ से जो इनपुट है HDMI का वो चेंज करना है। सो गाइस, इसके बाद हमें अगला ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर का। पिक्चर में सबसे पहले तो पिक्चर मोड है, पिक्चर मोड आप चेंज कर सकते हो। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोड यहाँ पर दिए गए हैं। सो जो भी आपको सूटेबल हो उसके हिसाब से आप पिक्चर मोड की सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद है पिक्चर एडजस्ट। तो पिक्चर एडजस्ट में किस तरह की सेटिंग्स आपको रखना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद गाइस जो लास्ट वाला होता है वो है जनरल सेटिंग्स का। तो इस मॉनिटर के रिलेटेड जो भी जनरल सेटिंग्स है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं LG के ऑन स्क्रीन कंट्रोल सॉफ्टवेयर की, जो कि इस मॉनिटर के साथ आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिल जाता है ऑप्शन स्क्रीन स्प्लिट का। सो आप मल्टीपल जो भी आपके ऐप्स हैं उसको स्क्रीन स्प्लिट करके डिफरेंट डिफरेंट ऐप एक साथ यूज़ कर सकते हो। लाइक अभी ये फुल स्क्रीन में चल रहा है, अगर आपको स्क्रीन को टू स्क्रीन में स्प्लिट करना है तो आप ये वाला मोड ले सकते हो, या इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो, या कुछ इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो। उसके बाद हमें मिल जाता है 3 स्क्रीन स्प्लिट, 4 स्क्रीन स्प्लिट, इवन 6 to 8 स्क्रीन स्प्लिट भी आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर PIP मोड होता है, जिसमें एक स्क्रीन छोटी होती है और एक स्क्रीन बड़ी होती है। तो इस तरह से आप मल्टीपल जो आपके टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हो स्क्रीन को स्प्लिट करके। इसके बाद बात करते हैं मॉनिटर सेटिंग्स की। तो आप यहाँ से भी मॉनिटर की जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हो। सबसे पहले यहां पर पिक्चर मोड है, तो मल्टीपल जो पिक्चर मोड हमने देखे थे सेटिंग में वो यहां से भी आप चेंज वगैरह कर सकते हो। इसके बाद ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, ये सारी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो। डिस्प्ले ओरिएंटेशन किस तरह का रखना है वो भी आप यहां से सेट कर सकते हो। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है माई एप्लीकेशन प्री सेट का। सो जो भी आपके मल्टीपल एप्लीकेशन है उसके स्पेसिफिक आपको किस तरह की सेटिंग रखना है इस मॉनिटर की, वो सारी सारी सेटिंग आप यहां पर कर सकते हो। लाइक आप देख सकते हो जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसी तरह के मल्टीपल एप्लीकेशन आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद गाइस जो अगला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में वो है गेम सेटिंग्स का। तो जब हम गेम मोड सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर हम रिस्पांस टाइम चूज़ कर सकते हैं, किस तरह का आपको रिस्पांस टाइम चाहिए। उसके बाद जो अडेप्टेड सिंक है वो भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद जो ब्लैक स्टेबलाइजर है उसको भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। सो गाइस, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉनिटर में उसकी बात कर लेते हैं, वो होता है डिस्प्ले। तो इसकी जो स्क्रीन होती है वो आती है एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ, जो हमारी आंखों को सेफ रखता है। साथ में हमें मिलता है एंटी फ्लिकर फीचर। बात करने का कलर की तो मिल जाते हैं 1 बिलियन कलर। साथ में हमें मिलता है sRGB 99%। तो कलर को आप इजीली कैलिब्रेट कर सकते हो और इससे मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हो। सो गाइस, अगर बात करें इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस की तो वो मिलती है हमें 350 nits की, और साथ में हमें मिलता है HDR10 का सपोर्ट। सो गाइस, गेमर्स के लिए इसमें कुछ गेमिंग फीचर्स भी दिए गए हैं। लाइक जो पहला है वो है AMD FreeSync। अब जो AMD FreeSync होता है तो जो फास्ट पैक्ड गेम होते हैं ना उनमें जो एक्सपीरियंस होता है यूजर का उसको काफ़ी बढ़िया कर देता है। सो गाइस, अब हमें जो गेमिंग के लिए दूसरा फीचर इसमें मिलता है वो होता है डायनेमिक एक्शन सिंक। अब जो डायनेमिक एक्शन सिंक क्या करता है, जो इनपुट लैग होता है उसको मिनिमाइज कर देता है, जिससे यूजर रियल टाइम में जो भी मूवमेंट्स होते हैं उनको कैच कर सकता है। इसके बाद गाइस, हमें इसमें जो तीसरा फीचर मिलता है गेमिंग के लिए वो होता है ब्लैक स्टेबलाइजर। अब ब्लैक स्टेबलाइजर से क्या होता है कि जो भी डार्क एरियाज होते हैं गेम में वहां पे भी जो विजन होता है वो काफी क्लियर रहेगा, या जो फ्लैश एक्सप्लोड वगैरह होते हैं उस सिचुएशन में जो विजन है वो काफी क्लियर रहेगा। सो गाइस, अगर इसकी बात करें स्क्रीन टिल्ट की, तो आप हॉरिजॉन्टली इसको टिल्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे हल्का सा कर सकते हो, बट वर्टिकल आप इसको टिल्ट नहीं कर सकते हो, या ऊपर नीचे भी ये नहीं होती, मतलब हाइट चेंज इसकी नहीं होगी, सिर्फ आप स्क्रीन को टिल्ट कर सकते हो। सो गाइस, बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, मतलब किसको ये खरीदना चाहिए, किसको ये नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले अगर आप एडिटिंग पर्पस से मॉनिटर देख रहे हो तो दिस इज गुड फॉर यू। उसके बाद अगर आपको कैजुअल गेमिंग वगैरह करना है, PC गेमिंग करना है, तो उसके लिए भी ये बढ़िया है। और अगर आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए लेना है तब भी इसके लिए ये बढ़िया है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे गेम्स खेलना है जिनमें हाई रिफ्रेश रेट रिक्वायर्ड है तो उसके लिए ये काम नहीं करेगा। बाकी अगर आपको मैं सजेस्ट करूं एक एडिटिंग स्पेसिफिक मॉनिटर, तो वो LG का अल्ट्रा वाइड आता है 29 इंच का। तो उसमें क्या होता है, जो ये वाला साइज है ये यहाँ तक रहेगा, मतलब इसका जो लेंथ है ये वाला ये तो इतना ही रहेगा, बट जो ये वाली हाइट है ये कम हो जाएगी। सो बेसिकली एडिटिंग पर्पस से ही होता है, जिसमें आपको लंबी सिर्फ टाइमलाइन मिलती है, बट उसमें जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो थोड़ा उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप हाई रिफ्रेश रेट गेम्स के लिए कोई मॉनिटर देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा LG का अल्ट्रा गियर, जो आता है 144 रिफ्रेश रेट के साथ। तो वो अगर आप हाई रिफ्रेश रेट गेम्स के लिए देख रहे हो तो उसको भी आप बात सकते हो। सो गाइस, अगर गेमिंग की बात करूं तो मैंने इसमें कुछ गेम्स वगैरह ट्राई करे हुए हैं और मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। इतनी बड़ी स्क्रीन पर जब आप गेम खेलते हो तो आपको काफी जो डिटेल्स वगैरह होती हैं जो छोटी स्क्रीन पर मिस हो जाती हैं, वो सारी की सारी जो भी डिटेल्स हैं आप इजीली कैच कर सकते हो, और जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कई गुना बढ़ जाता है।
सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस, वारंटी और यूजर रेटिंग्स की। तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इसको मैंने परचेस किया हुआ है अमेजोन से और ये मुझे पड़ा है करीब करीब 26,000 रुपए का। तो इसकी लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हो, पसंद आता है तो खरीद भी सकते हो। इसके अलावा और जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आपके लिए, उन सारी मॉनिटर्स की मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन सारे प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हो और अगर आपको कोई काम का लगता है तो आप परचेज भी कर सकते हो। बात करें अगर इसकी वारंटी की तो इसके साथ आपको मिल जाती है एलजी की 3 साल की वारंटी। सो अगर बात करें इसकी यूजर रेटिंग्स की तो अमेजन पर इसको करीब 2,000 लोगों ने रेट किया हुआ है और जिसकी एवरेज यूजर रेटिंग है वो है 4.5 स्टार। बात करें अगर मेरी पर्सनल यूजर रेटिंग की तो मैं भी दूंगा इसको 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। मुझे ये मॉनिटर काफी पसंद आया। एक तो इसकी जो प्राइस रेंज है वो काफी बढ़िया है, 26,000 में आपको 29 इंच का मॉनिटर मिल रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको कंप्लीट नॉलेज मिल गया होगा इस मॉनिटर का। फिर भी अगर आपके कोई भी और क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, फटाफट अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, साथ में हटकर नोटिफिकेशन की बेल ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के सारे प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। साथ में फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आईडी है मानसी साइल, तो फॉलो करना मत भूलिएगा। आपकी और भी कोई रिक्वेस्ट है, मतलब आप चाहते हो कि हम किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू करें तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपके लिए उस प्रोडक्ट का रिव्यू लाने का। तो चलिए गाइस सब लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।